मोंटू वेरी गुड परफॉर्मेंस मोंटू। सब लोग कितनी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे ना, क्योंकि असली कलाकार था बस। पिज़्ज़ा बर्गर तो भूखा होता है। अरे तालियों का भूखा होता है। ये क्या कर रहे हो सर? हम चेक कर रहे कि तालियां बजाने से हमारे पेट भरता है कि नहीं। कलाकारों का पेट भरता है, गधों का नहीं। वैसे गधों का पेट भरने के लिए मैं तुम्हें छोटा सा ब्रेक दे देता हूँ, और ब्रेक के बाद हम कालिया मर्दन वाला दृश्य करेंगे। ओके ठीक है सर। अच्छा हुआ सर आपने ब्रेक दे दिया, वैसे भी बहुत भूख लगी थी, खा के आता। लेकिन कहीं बाहर नहीं जाओगे तुम। ओके सर आप टेंशन मत लीजिए, वैसे भी हम खाना खाने में मतलब खाना लाने में एक्सपर्ट है ना। हाँ एक्सपर्ट। ठीक है ठीक है, लेकिन अगले दृश्य की तैयारी करके रखना। ओके चलो बच्चों, जो खाना खाना बेटा सब खाएं। अरे यार ये भी बहुत इरिटेट करता है, और गर्मी भी अटक गया। पकड़। चलो बॉस बॉस एक मिनट बॉस, मैं कह रहा हूँ कि आपके हेलमेट हेलमेट मतलब मुकुट पहन लो, सुनो राजा दिखते हो। राजा राजा मोंटू द ग्रेटेस्ट का खाने। चलो खाते हैं। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जाओ मोंटू, तुम चाहोगे तभी तो मैं यहाँ कंस बन कर आऊंगी। अरे 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 लो, तो नदी में चली गई, अब क्या होगा? हुआ क्या? तुमने गेंद डाली, तुम ही लेके आओ। नहीं मैं कैसे जाऊंगा नदी में? सुदामा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह उस गेंद को लेकर आता हूँ। हाँ नहीं किसना, तुम नहीं जाओगे क्योंकि इस नदी में कालिया नाग रहता है जो बहुत ही खतरनाक है। तुम चिंता मत करो सुदामा, मैं कालिया नाग से नहीं डरता। मुझे मालूम है कृष्णा तुम बहुत बड़े वीर हो, लेकिन अगर तुम्हारे मैया को पता चल गया तो वो तुमसे बहुत गुस्सा होंगी। मैं मैया को मना लूंगा सुदामा। किसी को डरा कर किसी को धमका कर उसकी चीज अपनी बनाना गलत है, और उसी तरह किसी से डर कर अपनी चीज वापस ला लेना वो भी गलत है, और इसीलिए मैं अपनी गेंद को वापस लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कालिया नाग से क्यों ना लड़ना पड़े। लेकिन किसना दो पिज्जा दो बर्गर दो कोल्ड बस, इतना काफी है हमारे लिए। हाँ वैसे भी हम डाइट पे हैं। ये मेरे लिए, तुम अपने लिए दो टॉफी ले लेना। वैसे भी तुम डाइट पे हो ना। लेकिन बॉस क्या हुआ, ज्यादा है? नहीं कम है। ठीक और दो टॉफी ले लेना। अरे बस हमें पता है कि आप मजाक कर रहे हो, बड़े मजाकिया हो आप। नहीं ठीक है ठीक है, जाओ तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। थैंक यू बॉस। आप बड़े पेट वाले हो, मतलब बड़े दिल वाले हो बॉस। जी तो चाहता है आपको गले लगा, लेकिन आपका पेट बीच में आता है। जाते हो या जाते चल चल के वो रोहित केवल तुम इतने जल्दी आ गए। काला
हाँ तुम जाओ। छाया सर, रोहित केवल सर, छाया देखो तुम ना मुझे घूरना बंद करो। मैं कह रहा हूं तुम्हें, तुम घूरना बंद करो। छाया अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी ना तो मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी प्लीज, तुम मुझे घूरना बंद करो। छाया घूरना बंद करो ना। अरे छाया तुम घूरना बंद करो ना। छाया 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 पे जो चिल्लाया, छाया ने बदल दी उसकी काया। नहीं चिल्ला, नहीं चिल्ला छाया, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने आज तक तुम्हें कभी परेशान भी नहीं किया ना, बट तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो छाया? तुम मुझे घूरना बंद करो। तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल दो, सब दूंगा। चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर, टॉयज, जो चाहिए वो दूंगा। निर्देश तुम मुझे घूरना बंद करो और प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जाने दू? जाने दूंगी, जरूर जाने दूंगी। वैसे भी मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारी छाया की जरूरत है। परी बहुत खुश हूं कि छाया परी अपना पहला कदम चल चुकी है। अब बहुत ही जल्द वो बालवीर को इतिहास का वो पन्ना बना देगी जिसे बच्चे सिर्फ पढ़ पाएंगे या सुन पाएंगे लेकिन कभी मिल नहीं पाएंगे। आज बच्चों के रक्षक बालवीर के जीवन का पर्दा गिरने वाला है। अरे भैया, अरे भैया रुक 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 भैया, अरे भैया जा, अरे अरे कुरको, अरे आज तो अपनी मैया की सजा से नहीं बचेगा। रुक रुक, मैया मेरी भूल क्या है? भूल क्या जरूरत थी तुझे उस कालिया नाग से लड़ने की? मैं तो अपनी गेंद लेने गया था भैया। अरे सच्ची मैं तेरी सारी कहानियां समझती हूँ, तू रुक, आज तो नहीं बचेगा। रुक, बिल्कुल नटखट है बालवीर की तरह। अरे रुक, क्यों क्या हुआ, थक गई मैया? नहीं। पानी लाओ तेरे लिए? नहीं। तो ले थोड़ा माखन ही खा ले। अच्छा, अरे अरे मैया, गाना मैया तुझे डांट रही है और तू आराम से माखन खा रहा है। मैया तेरी डांट ही इतनी मीठी है कि उसके साथ मुझे माखन तो और भी स्वादिष्ट लगता है। बस ऐसे ही तो डांटती रहे और मैं माखन खाता रहूंगा। गाना तू बहुत शैतान है ना, हर बार मुझे अपनी बातों से ही हरा देता है। सो तो है। यशोदा नंदन कृष्ण के लिए महाराज कंस का संदेश आया है। क्या महाराज कंस का नहीं होता?
महाराज कंस ने कृष्णा को मथुरा आने का न्योता दिया है। नहीं, कह दो अपने महाराज कंस से कि कृष्णा नहीं आएगा। जाओ। रुको मैया, मैं मथुरा जाऊंगा। आखिर कंस मामा ने मुझे इतने प्यार से जो बुलाया है। जाओ कह दो अपने कंस महाराज से कि कृष्ण मथुरा आ रहा है। अरे अरे रुको कान्हा, हमें नहीं पता महाराज कंस ने तुम्हें क्यों बुलाया है। मैया, ये तो विधि का विधान है, क्योंकि कंस मामा ने कृष्ण को नहीं बल्कि अपने अंत को न्योता दिया है। बुराई का अंत पालगी नहीं, कृष्ण करेगा। हाँ। उगी, जाओ जाकर मोंटू को बुला लाओ। अगला दृश्य कृष्ण और कंस की लड़ाई का है। यस, गो। कृष्ण के रूप में भी आज तुम मुझसे बच नहीं पाओगे बालवीर। कृष्ण लीला बदलेगी, बुराई अच्छाई पे जीतेगी और तुम्हारा अंत होगा। छाया छाया छाया। सर सर, रोहित केवल, कोई तो आओ। जाने दो मुझे प्लीज। रोहित केवल चुप। मोंटू, कहीं इसने मुझे मोंटू पे बात करते हुए देख तो नहीं लिया। अरे मोंटू, तू यहीं खड़ा है, सर ने तुझे स्टेज पे बुलाया है। कंस और कृष्ण की लड़ाई का सीन शुरू होने वाला है। इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं। हैं? कर रहा था मैं। छाया छाया छाया। शाबाश छाया परी, शाबाश, आगे बढ़ो। हाँ, बस वो परी, बस अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी बुराई से अच्छाई की सबसे बड़ी लड़ाई। और वो बेचारा बालवीर, उसे तो पता भी नहीं होगा कि कब बदल जाएगा उसका नाटक असली की लड़ाई में। सही कहती है छाया परी। वाह छाया परी वाह। कि छाया की माया कोई नहीं समझ सकता, बालवीर भी नहीं समझ पा रहा कि किस तरह उसकी मौत की तरफ बढ़ती जा रही है मोंटू के रूप में। बड़ी बुरी है छाया परी। मतलब है नहीं आपसे कोई भी बुरी परी, आखिर है ढूंढ कर लाई आप ही तो इस छाया परी को। छाया की माया, और छाया के इस वार से आज कृष्ण भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैंने इस पल का बहुत इंतजार किया कंस मामा, और आखिरकार आपने मुझे मथुरा आने का न्योता दे ही दिया। मैं भी इस पल का कब से इंतजार कर रहा था कृष्ण। ये तो नहीं बोलना था मोंटू को। ये कौन सी लाइन बोल रहा है मोंटू? तो बताइए मामा, आखिर किस खास कारण से आपने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया है? मैं जानता हूँ तुम बहुत वीर हो, तुमने बहुत वंद किए हैं और उन्हें जीता भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे द्वंद करो, मुझसे लड़ो,
और अपनी वीरता साबित करो। अरे मोंटू के ये संवाद तो मेरा मतलब है ये लाइन तो स्क्रिप्ट में है ही नहीं। हाँ, आपके कहने का मतलब है कि मोंटू अपने मन से लाइन्स बोल रहे हैं? हाँ। इतनी जल्दी लड़ने की बात नहीं करनी थी मोंटू, और पता नहीं मुझे अपने आसपास किसी बुरी शक्ति का आभास क्यों हो रहा है। मोंटू नाटक की लाइन बोलो। गंस मामा, लड़ाई की इतनी भी क्या जल्दी है? क्यों, क्या हुआ कृष्णा? कंस से हारने का डर सता रहा तुम्हें? अरे ये मोंटू समझ क्यों नहीं रहा है, यहाँ जरूर कोई बुरी शक्ति है मेरे आसपास। क्या हुआ कृष्णा, आज कंस के सामने तुम्हारी वीरता छुप गई है क्या, या फिर तुम्हें समझ आ गया है कि तुम एक साधारण बालक हो और तुम्हें वैसे ही खेल खेलने चाहिए? वीरता को साबित नहीं करना पड़ता है मामा, और हार का डर अच्छाई को कभी नहीं सताता, उसका डर तो बुराई को होता है। आओ लड़ो मुझसे, करो मुझ पे वार, या फिर करो सामना मेरे वार का। अरे मोंटू क्या कर रहा है? और मुझे तो ऐसा लगा कि मोंटू ने बालवीर पे सच में वार किया। बालवीर हटकाती परी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बालवीर को उस वार से सच में पीड़ा हुई है। हाँ नटखट परी, हमें भी ये अभिनय नहीं लगा ना? क्या हुआ कृष्णा, पहले ही वार में ध्वस्त हो गए? लड़ाई के भी कुछ नियम होते हैं मामा। नहीं कृष्णा, जीतने के कोई नियम नहीं होते, उसे तो बस जीता जाता है, जैसे आज मैं जीतूंगा। मुझे तो लगता है कि ये मोंटू जानबूझकर बालवीर को अपनी गदा से जोर से मार रहा है। कुछ कीजिए सर, प्लीज प्लीज मोंटू को रोकिए। हाँ प्लीज, आप ही कुछ कर सकते हैं सर, प्लीज आप कुछ कीजिए। हाँ सर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.